गोपीनाथ पीजी कॉलेज में किया गया अटल टिकरिंग लैब का उद्घाटन। अटल टिकरिंग लैब का उद्घाटन आज उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर के हाथों किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने तकनीकी शिक्षा को लेकर काफ़ी जोर दिया और उन्होंने कहा कि आज के समय में तकनीकी शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा देना जरूरी है, इसके लिए यह पहल सराहनीय है। उन्होंने विद्यालय को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने प्रबंधक सुधा त्रिपाठी और संरक्षक राकेश तिवारी की तुलना सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा बाई फूले से कर दिया कि जिस तरह से उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, उसी तरह से ये दोनों डॉक्टर सुधा त्रिपाठी और राकेश तिवारी शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं उनके सहयोग के लिए पीछे मैं नहीं हटूंगा, विद्यालय जब भी पुकारेगा मैं समय दूंगा। इस दौरान स्कूल की छात्र छात्राओं ने अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में, राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने राहुल गांधी को खुद बताया कि वो अपने कानून में खुद घिरे, उनका बनाया उनकी सरकार थी तो ये कानून बनाया गया। वहीं नगर निकाय के चुनाव पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि पार्टी दमदारी से लड़ेगी। मायावती को पीएम बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा केसीआर के तेलंगाना के केसीआर ममता बनर्जी से बेहतर है, मायावती अखिलेश यादव से बेहतर है, उनके पास वोट बैंक है 12%, तो वो पीएम की दावेदारी अगर उनकी होगी तो मैं उनका समर्थन कर सकता हूं। यहां तक 2024 के सवालों को लेकर उन्होंने कहा जहूराबाद में स्थित बड़ौरा कताई मिल को चालू कराने के लिए उन्होंने सरकार से प्रस्ताव मांगा है। वहीं भ्रष्टाचार रूपी सड़क को जो उनके विधायक जखनिया के वेदीराम ने उठाया था उसको लेकर वो भी अपने विधानसभा में भी हमलावर दिखे और उन्होंने बताया कि 11 सड़कों को उन्होंने दिया है जांच करने के लिए, जिसमें कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है, पीडब्ल्यूडी बना रही हो चाहे जो भी अधिकारी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जाँच का आश्वासन दिया है कि जाँच कराई जाएगी और इसके लिए वो पहल कर रहे हैं। आइए कुछ सुनते हैं क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई है, इसके पहले आजम खां की भी सदस्यता गई है लोकसभा की, लेकिन आजम खां की सदस्यता पर इतना हो हल्ला नहीं मचा और पूरा विपक्ष इस समय एकजुट होकर जो है कि राहुल गांधी को अयोग्य करार देने के बाद सड़कों पर है, आंदोलन चल रहा है, इसको आप कितना हद तक सही मानते हैं? थाना आप जानते ही हैं, थाने पर गरीब पीटा जाता है तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अगर उस थाने के इलाके का कोई मजबूत आदमी गलत किया अगर दरोगा उसको कुछ कर दे तो थाने में बड़ी भीड़ हो जाती है, उसके बचाव मुद्रा में लोग उतर आते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इस मामले को लोग गरमा रहे हैं। आजम खान अब चूँकि उस चीज़ को लेके वो जिनके साथ थे अखिलेश जी को गम नहीं थी कि क्या हो रहा है जी, अखिलेश जी को इस बात को लेकर के मुखर होना चाहिए था उससे, लेकिन वो इस पे चुप्पी साधे। एक सवाल और है, कल नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, सीटों का आरक्षण आ चुका है और जहूराबाद विधानसभा में एकमात्र नगर पंचायत आपकी विधानसभा में है बहादुरगंज, और उसमें आप पिछली बार रनर अप रहे हैं, उप विजेता रहे हैं, आपका उम्मीदवार चुनाव हार गए थे अब्दुल्ला रायनी, इस बार बहादुरगंज के उस चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? चूंकि जहूराबाद विधानसभा आपका है, नगर पंचायत बहादुरगंज एकमात्र नगर पंचायत है और आपका कैंडिडेट 2 नंबर पे रहा है, इस बार क्या रणनीति? देखिए हम प्रत्याशी नहीं तय करते, हमारी पार्टी की उस इलाके की उस जिले की विधानसभा के ब्लॉक के नेता प्रत्याशी वो तय करते हैं, कौन कौन लोग लड़ते हैं, किसको लड़ाना है वो करते हैं। हम सिर्फ जो एबी फार्म है हम उस पर दस्तखत करके दे देते हैं उस जिले को, अब वहाँ के लिए स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी। 2012 में आपका कौमी एकता दल से गठबंधन रहा है, आपने बहुत 49,000 के लगभग वोट पाए, आप यहाँ हार का सामना करना पड़ा है आपको। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन रहा, आप यहाँ से चुनाव जीते, भाजपा भी सत्ता में आ गई वनवास के बाद। 2022 में आप समाजवादी पार्टी को भी 47 से 115 तक पहुँचाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। 2024 के लिए क्या समझा जाए, चूंकि आपके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं इस समय? हमारा सुर एक नहीं, अभी आप समाजवादी पार्टी के थोड़ा सा विरोध में नजर आ रहा है। नहीं देखिए, विरोध आपको नजर जरूर आएगा, सच कड़वा होता है। 20% आबादी मुसलमानों की है, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनी तो मुसलमानों की दम भी बनी,
दरके की चोट पे भंगुर लाए, लेकिन जुलहा दुनिया सारे साईं दर्जी प्रकोप आदेश हाईकोर्ट ने दिया कि 2 महीने के अंदर प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाए। इस इशू को लेकर के अगर हम सरकार से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि अखिलेश जी को बुरा लगता है। एक सवाल भ्रष्टाचार को लेकर, आपके एक विधायक हैं बेदी राम जी, बगल में बैठे बगल में बैठे हैं आपके, हमारे सामने बैठे हैं। अभी परसों का उन्होंने अपने एक विधानसभा में बहुत ही भ्रष्टाचार को, सराहना करता हूं हम लोग चूंकि मीडिया के नाते, कि उन्होंने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया उसको, जो सड़क बन रही थी उसको दिखाया कि किस तरह से भ्रष्टाचार उसमें। जहूराबाद में क्या आपके द्वारा ऐसी कोई सड़क है जो जहूराबाद में इस तरह की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? पूरे गाजीपुर में जिस तरह के ठेकेदार हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, उस बात को लेकर के याद होगा सदन में, अभी मैं 2 मार्च को, यही जो अभी सदन बीता है, 2 मार्च को 403 विधायकों के बीच में इस बात को मैंने कहा कि गाजीपुर में वहाँ के ठेकेदार, जो सरकार की मंशा है कि गुणवत्ता युक्त सरकार सड़कें बने, काम हो, लेकिन वहाँ के ठेकेदार कुछ अधिकारी मिलकर के काम को जो है एकदम थर्ड क्लास का बना दिए हैं। सदन के अंदर बोला 11 सड़कों की जांच का हमने चिट्ठी लिखा है, हड़कंप मचा हुआ है। हम हो चाहे हमारे जहूराबाद की 11 सड़कों की, हम जहूराबाद की बात कर रहे हैं, 11 सड़कों की भ्रष्टाचार, 11 सड़कों का पता कर लीजिए, थोड़ा एक दो तीन नाम सड़कों का, अगर हमको चिट्ठी हम आपको दे देंगे। ठीक है सर, हम चिट्ठी आपको दे देंगे। आखिरी सवाल माफिया डॉन अतीक अहमद से, अतीक अहमद को सजा हुई लगभग 40 साल तक की बाहुबल सियासत के बाद 101 मुकदमा था, अतीक अहमद की सजा को आप कहां तक देखते हैं? देखिए अपराधी को सजा मिली, राजू पाल की हत्या का आरोपी जग जाहिर, पूरे प्रदेश में बसपा ने आंदोलन किया था राजू पाल की हत्या को लेकर। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी पहले कि वो अपराधी पालती थी गरीबों के वोट लूटने के लिए। एक दौर आया सपा बसपा का,